है सतनाम सतनाम आद जुगाद सब सत हर हर स्वाग सतनाम सतनाम रविदास सत कह समहे एक वै नाही असत हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस तीन दो जके जाएंगे सत पाखर रविदास आदि निरंजन निरंकार ओ अकाल पुरख परम पिता परमात्मा जो जुगां जुगांतरां दे अंदर हर एक युग दे विच अपने प्यारियां दी इज्जत लाजपत रखण वास्ते इस धरती ते अवतार धारण करदा है। गुरु प्यारियो ओ परम पिता जदों जदों ए संसार दे विच अधर्म फैलदा है पाप वध जांदा है जुल्म वध जांदा है तां उस समय जुल्म नूं ठल पाउण वास्ते ओ अकाल पुरख ओ परम पिता सतनाम सतनाम हर एक युग दे अंदर इस संसार दे विच धर्म दी ध्वजा फहराउण वास्ते धर्म दे झंडे नूं बुलंद करन वास्ते इस धरती ते अपना स्वरूप संसार दे भले वास्ते लेके आउंदा है और असी उस स्वरूप नूं कोई संत आखदा है कोई सतगुरु आखदा है कोई अवतारी आखदा है कोई अवतार आखदा है कोई परमहंस आखदा है। उस अवतार का मुख मकसद होंदा है कि इंसान नूं इंसानियत सिखाउणा इंसानी कदरां कीमतां नूं जानना ते उहनां नूं समाज दे अंदर समझाउणा वैर द्वेष तो रहत करना आपसी प्रेम स्थापित करना यह उस अवतारी पुरश का धर्म होंदा है। इसलिए गुरु प्यारियो इस संसार दे अंदर ओ परम पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे स्वरूप दे विच आए और उन्होंने आके दुखियां गरीबां मजलूमां दी बां फड़ी ते सब नूं सांझी वालता दा संदेश बख्शिश कीता। सतगुरु पातशाह जी ने प्रेम दी परिभाषा समझाउंदे होए सानूं समझाया है कि प्रेम सदा ही निरंतर अपने त्याग दा नाम है अपने त्याग दा रूप है और उस विच निष्काम होना सहजता रखनी अपने आप नूं नाम दे अंदर समर्पित करना ये सब इंसानियत नूं समझाउण दी कोशिश करदे हन। आओ
सतगुरु संत रामानंद महाराज जी की पवित्र याद विच बैठ रहे हो। संतां दे अगे नतमस्तक होण दे नाल साढ़े मन नूं चुकाउणा किस तरह है, वो सतगुरु रविदास पातशाह जी का पावन शब्द। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। सतना जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। हम सरदीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म ये जन्म तुम्हारे लेखे।
ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਤੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਤੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਜਨਮ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे ए मन दे भाव हन उस अकाल पुरख दे नाल सतगुरु रविदास महाराज जी दे निरंकार दे नाल साकार रूप दे मिलन दा और उन्होंने अपने मन दे भाव प्रगट कर रहे हैं। इस लई गुरु प्यारियो सतगुरु पातशाह समझाते कै परम पिता तेरे वर्गा कोई दयाल नहीं है और मेरे वर्गा कोई दीन नहीं है। जो इंसान के मन की भावना ऐसी होएगी तो इंसान च कदे अहंकार नहीं आएगा। पर गुरु प्यारियो असी परमात्मा दे नाल बजे किस तरह रह सकते हाँ, साड़ी उस दे नाल केड़ी रेशो है जेड़ी सानू जोड़ के रखती है। कहिंदे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूर्ण दीजे बचना दे द्वारा, क्योंकि गुर के ग्रह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह। जड़ा गुरु दी गल मनेगा गुरु प्यारियो बचन कमाएगा, और वो बचन जदों आपा नाम दान लेंदे हाँ जा जिस समय आपा अमृत छकदे हाँ जा जिस समय आपा किसी भी धर्म नूं अडोप्ट करदे तां उस दे सिद्धांत दसे जांदे हन, और वो निजम जो इंसान अपनाएगा असल विच ओही उस धर्म नूं अपने जीवन दे विच उसका आनंद लै पाएगा। और गुरु प्यारियो जदों संतां कोलो नामदान लईए तां संत महापुरश कहिंदे बेटा शराब नहीं पीनी, बेटा जुआ नहीं खेडना, बेटा जी पराई औरत नूं माड़ी निगाह नाल नहीं देखना। ते गुरु प्यारियो जे असी बचन कमावांगे तद तां साडे गुरु दा साडे संतां दा साडे ते भरोसा होएगा, विश्वास होएगा, साडे गुरु दा साडे ते विश्वास बनेगा। पर जे असी नाम दान ले लिया संतां दी शरण भी ग्रहण कर ली पर माड़े कर्म सारे करते रहे जिथों संत रोकते है फिर असी कुछ भी नहीं बने। अज असी कहने कि असी रविदासीए हाँ, पर मैनू नहीं लगता है कि किसी भी एह जा इंसान होवे जिहड़ा मैनू पंज शब्द भी गुरु रविदास जी दे सुना दे, जिहड़ा दस शब्द सानू सुना सके कि हाँ ये गुरु रविदास जी का सिद्धांत है। गुरु प्यारियो चाहे असी किसी भी धर्म की गल कर रही है पर गुरु के सिद्धांतों तो जो बेमुख हो जाओगे तो पतन निश्चित है। इसलिए गुरु के सिद्धांतों मनो, जो गुरु पातशाह सानू समझाना कर रहे उसनू समझना करो,
संत रंजन दास महाराज जी नामदान देने वेले सानू दसदे है ता उस नामदान की विधि नू अपनाओ ता गुरु प्यारियो ओ विधि अपना के फिर ही साडे जिहड़े सच्चे रिश्ते है ओ गुरां दे नाल जुड़नगे क्योंकि जदों गुरु दे बचन कमावांगे ता बचना दे नाल साडा रिश्ता मजबूत होएगा ता इसे लई सतगुरु पातशाह कहिंदे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजै ते बचन कमाया किन्हां ने संत रामानंद जी ने एक बार समर्पित हो गए एक बार डेरे विच आ गए तो वापस पिछा मुड़ के नहीं तकिया एक बार डेरे नूं समर्पित हो गए तो फिर वापस घर वल नूं नहीं गए क्योंकि इहनूं कहा जांदा है समर्पित होना और बहुत जन्म बिछड़े थे माधो असी कहिंदे कि बहुत जन्म हो गए तेरे तो बिछड़िया पर गुरु रविदास महाराज जी की समझाना कर रहे ये जड़ा दम है ये साडा एक जन्म है क्योंकि जड़ा दम शरीर दे अंदर है उही दम मेरा है जड़ा अगला आना है जा नहीं आना वो परमात्मा जानता है क्योंकि हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जान अगला दम आना है जा नहीं आना है वो ईश्वर दे हाथ है वो परमात्मा दे हाथ है पर जड़ा दम मेरे शरीर दे अंदर है ये मेरे हाथ है इस दे नाल मैं पाप करनी है जा इस दे नाल पुन करनी है इस दे नाल निंदिया करनी है जा मैं इस दे नाल नाम जपना है ये मेरे वस च है इसलिए जड़ा दम अपने शरीर दे अंदर है वही दम अपना है ते गुरु प्रेमियो सतगुरु पातशाह कहंदे कि एक घड़ी ना मिलते तो कल युग होता जे एक घड़ी दा विछोड़ा तेरे चरणा तो पै गया तो उस घड़ी मैनू युग दे समान है ते गुरु प्यारियो सतगुरु दास महाराज जी समझाना कर रहे कि एक दम दा विछोड़ा तेरे तो पै गया कि एक दम दे विच तेरा नाम नहीं जप होया ता ओ दम एक जन्म दे समान है इसलिए जिन्ने दम उस परम पिता दी बंदगी तो बिना निकल गए जिन्ने स्वास उस परम पिता दे नाम तो बिना निकल गए ता गुरु प्यारियो सतगुरु पातशाह कहंदे कि उन्ने जन्मा दा विछोड़ा पै गया है इसलिए ये दम उस गुरु दे लेखे ला दो और इस दम दे विच इक आस है वो आस केड़ी है कह रविदास आस लग जीव चिर भयो दर्शन देखे केड़ी आस है मन दे अंदर के केवल तेरा दर्शन हो जाए जदों मन च ऐसी भावना आ जाएगी मन च ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी तो वह परमात्मा तुहानू मन दे तरातल दे उपर अपने परम प्रकाश का दर्शन करवाएगा और वह परम प्रकाश ही तुहानू अपने सत रूप नू दर्शन देवेगा अपने सत स्वरूप का ज्ञान करवाएगा इसलिए गुरु प्यारियो अपने दम दे अंदर यही भरोसा होना चाहिए कि यह परमात्मा तेरा दर्शन ही मेरे जीवन का लक्ष्य है इसलिए सतगुरु दास पातशाह इस शब्द की आखिरी पंक्ति विच इउं समझाना कर रहे हैं कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन देखे रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछड़े थे वादो ये जन्म तुम्हारे लेखे जन्म ये जन्म तुम्हारे लेके जन्म ये जन्म तुम्हारे लेके जन्म ये जन्म तुम्हारे लेके
ये जन्म तुम्हारे लेख है, ये जन्म तुम्हारे लेख है। महापुरुष एक धारणा बोलते है, लेखे विच ला लो जी, ये जन्म तुम्हारे लेख। अज असी स्टेजा तो कहते सारे ही हैं, पर जन्म लेखे विच लाते संत रामानंद जी वर्गे महापुरशी है, क्योंकि साढ़े वर्गियां दे अगे तो जिन्ना चिर दस दस रुपए चढ़ते रहेंगे है ना, ये पैसे देंदे रहेंगे, वह तो कीर्तन चलता रहा है, पर संत रामानंद जी महाराज एहो जिहा त्यागी जिहड़ा चढ़ावा होना भी वह भी उत्थे फड़ा के आ जाए। अज अगर रवदासिया कौम की इस संसार दे अंदर होंद है, रवदासिया धर्म की, तो उस दी जड़ जिहड़ी है वह संत रामानंद जी दे सीस ते टिकी हुई है, उन्हां दे सीस ते टिकी है। ते गुरु प्यारियो ਇਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਰਵਦਾਸੀਆ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀ ਏ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ डेरा सचखंड बल्लां दे महापुरशां दे चरणां दे विच समर्पित कीता है। गुरु प्रेमियों, साड़ी ही कौम दे ऐसे महान योधे, ऐसे महान जरनैल जिन्हां ने साड़ी कौम नूं जो टुकड़ियां दे विच वंड होई सी उस नूं एकत्र करके इस समाज नूं इक सन्मान योग जिंदगी बख्शिश कीती। संत रामानंद जी महाराज इस संसार दे अंदर जिन्ना चिर भी रहे उन्होंने इस संसार दे विच समाज दे भले वास्ते अपना जीवन अर्पित किया होया। अज असी डेरा सचखंड बल्लां जद जांदे हां ता हाल दे विच सत्संग हुंदा है, ता साडे वीर सतपाल सालों जी दसदे कि महापुरश उस वेले आप लक दे नाल धोती बन के भाव थल्ले विच आके दोरी बन लैणी ते आप बठल चक्कण लग पैंदे सी, और जिस समय आई हॉस्पिटल अखां दा हस्पताल बन रहा है ते कहिंदे आप कम करन लग पैंदे सी। इस नूं कहा जांदा है कि संत दा जीवन भाव अहंकार तो रहत, भाव अहम तो रहत। मन च भी ख्याल नहीं है कि मैं संत है, नहीं तो कई बार मन दे विच ना जो बंदा संत बन जाता है तो बंदा कदे किसी नूं चक्के चीज ही नहीं फड़ाउंदा, मैं तो संत है भाई मैं नहीं फड़ाउणी, भाव ऐसो जी अवस्था दे विच चले जाना है जिथे जाके सिर्फ न्यूट्रल हो जाता है इंसान, भाव कर्म करत होए नहकामी, नहकाम निष्काम हो जाना, इस संत दी पहचान है। और गुरु प्यारियो, एहो जे संत रामानंद महाराज जी जिस समय 24 मई 2009 नूं व्याना दे विच गए सतगुरु निरंजन दास महाराज जी दे नाल प्रचार करन वास्ते, तां उत्थे मानव विरोधी अंसरां ने जिहड़े के एक मैं गल जरूर कहांगा कि जदों तक साडे घर दे विच कोई विरोधी धिर दे नाल जां विरोधी बंदे नाल गलबात करन वाला बंदा नहीं है ना, उदों तक विरोधी बंदा साडे च नहीं आ सकदा, क्योंकि मैनूं 7 साल हो गए यूरोप दे विच जांदियां, मैं गल सीना ठोक के कह सकदा कि साडी कौम दे कुछ गद्दार कमेटी मैंबरां दे कारण साडे कोलों ओह संत विछड़ गए। और गुरु प्यारियो, उन्हां दे विछोड़े ने समाज दे अंदर ऐसी रोस दी लहर पैदा कीती,
जो कि असी आम सड़कां ते देखिया है। पर एक गल मैं जरूर कहांगा, जिस तरह के तेलू राम जी, बलकार जी, रजिंदर जी, विजय कुमार जी, जिन्हें मावां दे पुत उस रोस दे विच विछड़ गए, अज असी लखा रुपया भी उन्हां दी झोली च पा दईए पर उन्हां दी मावां दे पुत नूं नहीं मिलने, उन्हां मावां नूं उह पुत्तरां दा सहयोग नहीं मिलना। पर अफसोस है कि असी अपनी कौम दे हीरियां दे जिन्हां ने कौम दे लई कुर्बानियां कीतियां उन्हां मावां दा असी अजे भी पूरी तरह दिलों सत्कार नहीं करदे। गल्लां करन नूं बहुत है पर दिल दे विच जज्बा रखना संत रामानंद जी जानदे हन, क्योंकि स्टेज तो कह देना बोल देना वो गल वक्री है पर दिल दे अंदर दर्द रखना ये कोई कोई जानदा है। और दूसरा कि जदो इंसान इस कौम दे लई अपना कुछ करना चाहता है तो साढ़े समाज के अंदर सानू सब तो वड्डा सामना जड़ा है अपने ही लोकां दा करना पैंदा है। सानू कदे विरोधी धिर नहीं रोकदी, असी अपने ही साडे बंदे सानू रोकदे है। इस दा कारण कि असी गुरु रविदास जी दे सिद्धांत नू पकड़िया ही नहीं है, असी गुरु जी दी गल नू मन्निया ही नहीं है। पर वो दुख दी घड़ी दे विच कवि ने चंद लाइना लिखियां कि विच वियाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। विच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। बिच बयाना पिया विछोड़ा बिच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। बिच बयाना पिया विछोड़ा बिच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। जिन्हां नू अपने आसान समझिया उन्हां ने वैर कमाए ने, जिन्हां नू अपने आसान समझिया उन्हां ने वैर कमाए ने। साडी कौम दे अखी हंजू उन्हां गदारा पाए ने, साडी कौम दे अखी हंजू उन्हां गदारा पाए ने। जय गुरुदेव दी जय गुरुदेव दी जय गुरुदेव दी जय गुरुदेव दी कह के फर्ज निभाई दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। बिच बयाना पिया विछोड़ा बिच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। कौम नू दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ
कहिंदे अपने माता पिता दे मन नूं संतुष्ट कर सकदा है जिहड़ा जिउंदे जी ही महापुर अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हां दा मन ठंडा रखे। कहिंदे उन्हां दे माता पिता जदों खुश हो के शरीर छड्दे है ना तां उहदा मां बाप दे वल्लों करजा जिहड़ा उतर जांदा है, भाव कि उहदे मां बाप उस नूं असीस दे दिंदे कि पुत्रा राजी रहे। ते दूसरा करजा किहनां दा है, जिस कौम दे विच जन्म लैंदा है, जिहड़ा जन्म लैंदा जिस कौम दे विच जिन्हां बच्चियां दे नाल खेड़दा बंदा वड्डा हुंदा है, जिन्हां आंडियां गुआंडियां ने भी पानी पला पला के बंदे नूं वड्डा कीता हुंदा है, जिस कौम दे विच उसने जन्म लिया उस कौम दा करजा है। ते गुरु प्यारियो तीसरा करजा है संतां दा, ब्रह्म ज्ञानियां दा, जिन्हां दी बदौलत इंसान ज्ञानवान बनदा है, चंगे गुण ग्रहण करदा है। जदों इंसान इन्हां करजिआं दे विच है तां गुरु प्यारियो फिर उह करजे उतारन दी विधि भी संत रामानंद जी ही दसदे हन, क्योंकि अपने जीवन काल दे अंदर समाज दी सेवा करदे होए समाज दे कर्ज तों मुक्त है ते गुरु प्यारियो अपनी जान न्योछावर करके इस कौम दा इस समाज दा कर्जा अपने सिरों ला के पर साडे सिर ते चढ़ा गए, अपने सारिआं दे सिर ते ओह कुरबानी दा करजा है। समा आउण ते ओह करजा जरूर उतरेगा क्योंकि ओह पार ब्रह्म दे घर दे विच देर है अंधेर नहीं है, समा जरूर है पर उस दे लई सानू अपनी यूनिट रखनी चाहीदी है। ओह करजा उतारन वास्ते सानू अपनी एकत्रता जरूरी है। असी अगर जे वख-वख ढेरियां दे विच वंडे रह गए, वख-वख कमेटियां बना के आपो अपने काम करते रह गए तो कदे उस गुरु रविदास जी के फलसफे नूं कामयाब नहीं कर सकते, बेगमपुरे के सिद्धांत नूं कामयाब नहीं कर सकते। अगर जे असी अलग अलग कमेटियां बना के काम करते हैं, हुण असी अलग अलग कमेटियां नूं एक रूप देना है, एक जगह ते इकट्ठे करना है, तो गुरु प्यारे जदों तुसी इकट्ठे होवोगे तद ही गुरु रविदास जी का सिद्धांत गुरु रविदास जी का फलसफा कथनी ते करनी दे विच अमल दे विच आएगा, जिस दे विच उस अमल दे विच लियाउण दे लई संतां ने कुरबानी की, अपनी कुरबानी दिती। और सतगुरु निरंजन दास महाराज जी दिन रात 72 साल की उम्र के विच भी अपने जीवन नूं इस समाज के लेखे ला रहे हैं। ते गुरु प्यारियो एक करजा असी किस तरह उतार सकते हैं, आओ साडे वीर सतपाल सालों जी इउं समझाउणा कर रहे हैं। ना डरदर विच मौत दा वेखो गुरां दा सिमरन कर दे जो ना डर दिल विच मौत दा वेखो गुरां दा सिमरन कर दे जो सतगुर दे प्रचार वास्ते जान बली ते तर दे जो सतगुर दे प्रचार वास्ते जान बली ते तर दे जो ऐसे संतां दे चरणा विच ऐसे संतां दे चरणा विच तन मन पेट चढ़ाई दा कौम नूं दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तों लाई दा कौम नूं दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तों लाई दा बिच बयाना पिया विछोड़ा बिच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नूं दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तों लाही दा कौम नूं दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तों लाही दा दे सतपाल प्यारे कर दे नेक कमाई जो सालों दे सतपाल प्यारे कर दे नेक कमाई जो बिच बयाना सतसंग कर दे कर गहने रुसवाई जो बिच बयाना सतसंग कर दे कर गहने रुसवाई जो ऐसे संतां दे चरणा विच
ऐसे संतां दे चरणा विच तन मन पेट चढ़ाई दा कौन दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा कौम नु दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा विच बयाना पिया विछोड़ा विच बयाना पिया विछोड़ा सोने संत सिपाही दा कौम नु दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा कौम नु दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा कौम नु दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा कौम नु दस गए कौम दा करजा किंज है सिर तो लाही दा सहलों दे सत प्याल प्यारे करते नेक कमाई जो इस संसार दे अंदर जो धर्म दी कमाई करते हैं नेक दी कमाई करते हैं कहिंदे विच वियाना सत्संग करते देखो महापुरुष किसे नाल वैर नहीं कमाते किसे नू नफरत दी नीति नहीं सिखाते संत रामानंद जी गए की करन सत्संग करन वास्ते नाम जपाउन वास्ते ते गुरु प्यारियो मानवता दे विरोधी लोकां ने उस नू झल्लिया नहीं क्योंकि इन्हां संतां दी इस डेरे दी चढ़दी कला इस दी चढ़त नू देख के संत रामानंद जी दे कीर्तन दी महत्ता नू देख दे होए विरोधियां ने महापुरशां ते हमला कर दिता और विच वियाना सत्संग कर दे कर गए रसवाई जो जो इस संसार दे अंदर सानू सदीवी विछोड़ा दे गए ते गुरु प्यारे उस वेले कहिंदे जदों महापुरशां ते गोलियां वर रहियां सी ना तां संतां ने सारियां गोलियां सीने ते खादियां पैठनी दिखाई ते गुरु प्यारे संतां ने अंतम समय तक सतगुरु दास महाराज जी दे जकारे छड़दे रहे जिन्ना चिर उन्हां दे शरीर नूं होश रही ते जदों बेहोश हो गए तां उस तों बाद हॉस्पिटल हस्पताल दे विच 25 मई सवेरे अमृत वेले इस फानी संसार नूं अलविदा आख गए। साडे वीर क्रांति टीवी दी जो समूह टीम है ओ साडे वीर इत्थे पहुंचे हन क्रांति टीवी दी समूह टीम नूं इत्थे आउण ते बहुत बहुत धन्नवाद। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जो बोले सो निरपै गुरु रविदास महाराज की जय।